भारत के कई स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड होती है लेकिन एक एग्जाम ऐसी भी है जिसे हर यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्य किया जाता है इस एग्जाम का नाम है अगर आप विदेश की किसी भी में लेना चाहते हैं, तो आपको टॉफिल साथ साथ से जुड़ी कई सारी जानकारियां मिलेंगी तो बिना देर किए सबसे पहले जानते हैं कि टॉफिल क्या है दरअसल टॉफिल एक लैंग्वेज टेस्ट है जो विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य होता है टॉफिल का फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरन लैंग्वेज है इसे ETS द्वारा किया जाता है। अगर आप विदेश में तो आपकी इंग्लिश पर कमांड कैसी है क्या आप इंग्लिश को बोल और समझ पाते हैं यदि आप टॉफिल देना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए टॉफिल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपका हाई स्कूल पास होना बेहद जरूरी है के अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए उम्र को लेकर इस परीक्षा में कोई बंधन नहीं है आप किसी भी उम्र में टॉफिल दे सकते हैं एक तरफ जहाँ टॉफिल में ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है वही दूसरी ओर इसके अटेम्प्ट को लेकर भी कोई लिमिट नहीं है आप कितनी भी बार इसे दे सकते हैं लेकिन दो अटेम्प्ट के बीच कम से कम बारह दिन का गैप होना चाहिए साल भर में आप इसके लिए कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं टोहफिल एग्ज़ाम की फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 180 डॉलर होती है इसमें हर अटम्प्ट के बाद आपको एक नया स्कोर कार्ड मिलता है जो दो साल तक वैध होता है लेकिन आप जो अटैम्प्ट देते हैं उसमें से जो भी हाई स्कोर होता है उसे अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्कोर पहले अटैम्प्ट में आया है वही मान्य होगा टॉफिल क्या है और इसके लिए क्या योग्यता है इस बारे में तो आप जान गए चलिए अब बात करते हैं टॉफिल के एग्जाम पैटर्न के बारे में टॉफिल एक ऑनलाइन एग्जाम है जो कंप्यूटर पर होती है इसमें ए आई बेस्ड पेपर होता है जिसमें यदि आप एक आसान सवाल का जवाब पहले दे देंगे तो उसके बाद कठिन सवाल आएगा फिर उसके बाद कठिन और कठिन आप जितने ज्यादा कठिन प्रश्नों को हल करेंगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा अगर आप कठिन प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आसान प्रश्न दिए जाएंगे जिनके स्कोर कम होंगे टोफिल एग्ज़ाम साढ़े तीन घंटे का होता है जिसमें चार सेक्शन होते हैं पहला सेक्शन रीडिंग होता है जो चौवन से बहत्तर मिनट का होता है ये सेक्शन तीस मार्क्स का होता है दूसरा सेक्शन लिसनिंग का होता है जो तीस मार्क्स का होता है इसके लिए आपको इकतालीस से सत्तावन मिनट का समय दिया जाता है तीसरा सेक्शन स्पीकिंग का होता है ये तीस मार्क्स का होता है इसके लिए आपको सत्रह मिनट का समय दिया जाता है चौथा सेक्शन राइटिंग का होता है जिसके लिए आपको पचास मिनट का समय दिया जाता है और ये तीस मार्क्स का होता है टॉफिल के एग्जाम पैटर्न को जानने के बाद अब जानते हैं कि आप टॉफिल की तैयारी कैसे कर सकते हैं टॉफिल की तैयारी करने से पहले यह समझें कि इस एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है इस एग्जाम का मुख्य फोकस होता है वो होता है आपकी इंग्लिश चेक करना इसलिए आप इंग्लिश पर कमांड मजबूत करके टॉफ़िल की तैयारी कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को आपको टॉफिल एग्जाम के लिए तैयार करना है इसके लिए आपको कुछ टिप्स ध्यान में रखना चाहिए टॉफ़िल के लिए आपकी इंग्लिश राइटिंग रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग तीनों अच्छी होनी चाहिए इसके लिए आप सबसे पहले सिक्स से लेकर टेंथ या ट्वेल्थ तक की इंग्लिश साइंस सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल की बुक्स की रीडिंग करें और उन्हें समझने की कोशिश करें नॉवेल्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें ईटीएस की वेबसाइट पर मौजूद स्टडी मटेरियल पढ़ें इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाएं इन सभी तरीक़ों से आप इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं और तहफ़िल की तैयारी कर सकते हैं एजुकेशन डेस्क इंडिया रिव्यूज़ अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए इंडिया रिव्यूज़ डॉट कॉम पर विज़िट करें